नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे साथ जीके राजस्थान चैनल पर। दोस्तों, कहीं नहीं जाना है, आज फिर से बेहतरीन कुछ सवाल जो एग्ज़ामों में खूब पूछे जाते हैं उन्हीं के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं। और इन सवालों के साथ प्रैक्टिस को जारी रखना है, कोशिश करना है, कोई गैपिंग ना हो पढ़ने में, क्लासेस लगातार मिले, प्रैक्टिस लगातार हो। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी सफलता भी मिलेगी। प्रैक्टिस को ब्रेक नहीं करना है, लगातार पढ़ते रहना है, नोट्स बनाते रहना है। ये नहीं देखा जाता कि सर ने मेरा नाम लिया कि नहीं लिया। बेटा, नाम लेने से कुछ नहीं है, आप अपना स्कोर देखिए कि मैंने कितना स्कोर किया आज के पेपर में। ये हमारा मकसद है आपके साथ जुड़ने का, क्योंकि आपके पेपर्स BSTC के 30 अगस्त को हैं, 29 के आसपास PTET का पेपर है। हमारा बस एक ही मकसद है कि जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहा है उसका भला हो बुरा ना हो। बेटा, बस प्रैक्टिस करते चलो, लगातार बने रहो, बहुत मज़ा आएगा। सब जगह को भूल जाओगे, केवल हमारा ही नाम लोगे, लेकिन जब बने रहोगे तब लगातार। देखिए बेटा, गलतियां हर इंसान से होती हैं, हमसे भी हो सकता है कोई कहीं किसी दिन कोई सवाल गलत हो गया, कोई कैलकुलेशन गलत हो गई, लेकिन बेटा उसको अगर दिमाग में रखोगे तो कभी ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकते। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रट्टा मार के पढ़ाते हैं, हम लोग वो टीचर हैं जो आप जो पूछिए तुरंत जवाब देंगे, हम लोगों को रटने की ज़रूरत नहीं होती। हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, लगातार पढ़ाते आ रहे हैं, धीरे धीरे 10-11 साल होते जा रहे हैं पढ़ाते हुए, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है, सर हमारा कैरियर सेफ हो गया, हम यहाँ पर आ गए, सर यहाँ पर जॉब लगी। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, बहुत मज़ा आता है जब ऐसे रिस्पॉन्स मिलते हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं बेटा कि हमारा जो राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ पर भी हम ऐसा ही कुछ करें कि वहाँ के भी बच्चे ये कहें कि नहीं यार, मैंने सौरभ सर से पढ़ा तो मेरा सिलेक्शन हुआ। बस इतना ही चाहते हैं दोस्तों, इसीलिए पर डे प्रैक्टिस करवा रहे हैं। कोई एक दिन कराता है, दो दिन कराता है, हम पिछले 20-22 दिनों से रेगुलर प्रैक्टिस दे रहे हैं आपको। टोटल प्रैक्टिस यही है, टोटल हमारा बस एक ही अटेम्प्ट है कि आपको कहीं से भी किसी से पीछे न रह जाएं आप। हम बस यही चाहते हैं कि हमारा जो भी स्टूडेंट है वो सबके बराबर में रहे, उसका सिलेक्शन कभी रुके ना। इसी क्रम में बेटा मैं फिर से आज कुछ बेहतरीन सवाल के साथ आपके साथ हूँ। बस ध्यान रखना है, सवाल को नोट करना है, सही से आंसर देना है और अपनी स्कोरिंग को चेक करना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, शुरुआत करता हूँ आपके सामने आज का पहला प्रश्न। सवाल दिया है, एक कैलेंडर का प्रश्न है, बोल रहा है किसी महीने में 5 तारीख को मंगलवार है। बेटा क्या बोला गया है, देखिए थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूँ, कैलकुलेशन के लिए जगह मिल जाएगी। देखिए दोस्तों क्या कहा गया, बोला गया है किसी महीने में 5 तारीख को, देखिए 5 तारीख को कौन सा दिन दिया है बेटा, तो मंगलवार दिया है, तो यानी 5 तारीख को हो गया मंगलवार, ठीक है दोस्तों। अब देखिए पूछा गया उसी महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। प्रश्न देख लीजिए बेटा, ये रहा सवाल कि भैया 5 तारीख का दिन मंगलवार है, ठीक है ना, 5 तारीख का दिन मंगलवार है, तो बताना है 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। यही प्रश्न है, एकदम इजी सा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, फटाफट दोनों तारीखों का अंतर निकालिए। तो देखिए 5 तारीख का दिन दिया है और 29 तारीख का दिन पूछा है, तो दोनों का अंतर निकाल लो। दोनों का अंतर कितना आएगा, 24 आएगा। अब कैलेंडर है तो कैलेंडर में विषम दिन निकाला जाता है, हम सबको पता है। तो भैया 24 दिन है, तो भैया 24 दिन का फटाफट विषम दिन निकाल लीजिए, तो 7 से डिवाइड कर दीजिए। विषम दिन का नियम क्या होता है, विषम दिन का नियम है कि दिनों की संख्या को 7 से भाग दे दो। देखो मैं यहां लिख भी देता हूं, चलो आपकी सुविधा के लिए मैं विषम दिन का फॉर्मूला भी लिख देता हूं, आप लोग फटाफट नोट कर लेंगे। विषम दिन बराबर दिनों की संख्या, अभी मैं क्लियर कर दूंगा आपको साफ दिखेगा एकदम, दिनों की संख्या बटे 7, यही है इसका फॉर्मूला। ध्यान रखना दोस्तों, यही है हमारा फॉर्मूला विषम दिन का। देखिए मैं आपके लिए एकदम क्लियर कर दे रहा हूं, जिससे आपको दिखाई देगा जो मैं बात कर रहा हूं। ये देखिए, ये है विषम दिनों की संख्या, विषम दिन बराबर दिनों की संख्या बटे 7। तो देखो बेटा, यहां जो दिनों का गैप था वो कितना आया है आपका, 24 आया है ना,
तो बस 24 को 7 से डिवाइड कर दो। तो जब 7 से डिवाइड करोगे, ध्यान रखना बेटा, यहां पर शेष लिया जाता है। क्या लिया जाता है? शेषफल। शेषफल का मतलब रिमाइंडर। ध्यान रखना, क्या लेंगे? रिमाइंडर। रिजल्ट नहीं लेंगे, क्या लेंगे? रिमाइंडर लेंगे। रिमाइंडर का मतलब जो शेष बचा है उसको लेंगे। तो बेटा देखो, अगर 7 से 24 को डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। 3 बार में जाएगा, 7 × 3 = 21, और रिमाइंडर कितना आएगा? तो 3 आएगा। कहने का सेंस, अब देखिए विषम दिन जो भी आया, विषम दिन कितना आ गया हम लोगों का? 3 आ गया ना। और ये देखो कि जो दिन दिया हुआ है 5 तारीख का दिया है और मंगलवार का दिन, और पूछा 29 तारीख का दिन है, यानी आगे का दिन है। मतलब समझ रहे हो मेरी बात को? फिर से रिपीट करता हूं। देखो 5 तारीख का दिन दिया है, यानी मान लो कि तुम 5 तारीख पर खड़े हो, मैंने कहा है 29 तारीख तक जाना है, यानी क्या करना है? आगे जाना है ना, आगे जाना है। तो जिसका दिन दिया था 5 तारीख का, पूछा है दिन 29 तारीख का, यानी आगे का दिन है। तो आगे का दिन है बेटा, तो क्या करोगे? ये जो विषम दिन आया था 3, इसको उठा के इसमें जोड़ दोगे। हो गया आंसर? बस यही आंसर है, कुछ नहीं करना। अगर ध्यान देना कॉन्सेप्ट को, कि चूंकि ये 29 तारीख आगे की तारीख है, तो इसीलिए जो भी विषम दिन आया था हमारा, उसको उठा के हमने यहां पर जोड़ दिया। तो मंगलवार में 3 जोड़ दो, तो बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, यानी हम लोगों का सही आंसर क्या होगा? कि सर शुक्रवार होगा। अब कई लोग गिन के निकालते हैं, कई लोग गिन के निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप गिन के निकालिए। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट करने का तरीका ये आपके सामने है, आंसर हो जाएगा शुक्रवार। कि सर शुक्रवार इसका सही आंसर है। तरीका समझ में आ गया? ध्यान रखना कि अगर यही कुछ ऐसा प्रश्न होता कि जैसे मान लिया जाए, देखिए मैं थोड़ा सा इसको साफ कर लूं, समझाने में आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से मेरे पॉइंट को। अब देखिए इसका आंसर शुक्रवार है, इसका जो आंसर है वो शुक्रवार है। अपने ऑप्शन में हम लोग देख लेंगे कि शुक्रवार कहां दिखा रहा है ना, बस उसको चेक कर लेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। देख लिया, पहले आंसर देख लीजिए अपना। तो शुक्रवार कहां दिया है, जल्दी से चेक करा जाए। तो देखिए शुक्रवार ऑप्शन नंबर सी पर है, यानी हम लोग का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब मान लो अगर यही सवाल कुछ ऐसा हो जाता, थोड़ा सा इससे हटा जाए, है ना, थोड़ा सा इसी पे एक दो और सवाल समझ लीजिए एक्सरसाइज, जिससे आपको फ्यूचर में अदर सवालों में आसानी होगी। कैसे करेंगे, ध्यान दो बेटा। जैसे मान लिया जाए किसी ने कहा कि 25 तारीख को शनिवार है ना, 25 तारीख को शनिवार है, तो बताना है कि भैया 6 तारीख को कौन सा दिन होगा। मान लो ऐसा कोई सवाल है, किसी ने बोला कि 25 तारीख को शनिवार है, तो उसी महीने की 6 तारीख को कौन सा दिन होगा, यही बताना है। तो फटाफट पहले क्या करेंगे, ध्यान देना, दोनों का अंतर निकाल लेंगे। तो 25 में से 6 गए 19, अब 19 को 7 से डिवाइड कर दो, तो 19/7 करो, यानी कि विषम दिन निकाल लो। तो 7 × 2 = 14, शेष कितना बचेगा बेटा? शेष बचेगा 5, है ना, शेष कितना बचा? 5, यानी विषम दिन हो गए 5। ध्यान देना, विषम दिन कितने हो गए? 5 हो गए। अब ये देखो कि जो पूछी गई तारीख है वो आगे की है कि पीछे की है, ये ध्यान से देखो। तो पूछा कितनी तारीख को गया है? 6 तारीख को, है ना, और आपको दिन कहां दिया है? 25 तारीख का। तो 25 तारीख का दिन दिया है, ध्यान से देखिए, 25 का दिन दिया है और 6 तारीख का दिन पूछ रहा है, तो पीछे जाना पड़ेगा ना, तो पीछे जाना पड़ेगा। तो जो ये विषम दिन हमारा आया है 5, इसको यहां से माइनस कर दीजिए, बस यही आपका आंसर है। जितना अगर पीछे जाना है तो माइनस होगा, और जैसे इस सवाल में आगे जाना था, देखिए 5 तारीख का दिन दिया है और 29 तारीख का दिन पूछा था, तो आगे जाना था तो विषम दिन को जोड़ दिया गया, और अगर यही पीछे जाना होता तो विषम दिन को माइनस कर देते, तो आंसर मिल जाता। पॉइंट समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो भैया बस शनिवार में से 5 दिन घटा दो, तो 5 दिन घटाओगे तो भैया आंसर क्या आ जाता? सोमवार। अगर ये वाला सवाल होता जो मैंने यहां बनाया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाता? सोमवार। लेकिन चूंकि ये वाला सवाल है, तो इसका सही आंसर क्या है बेटा? शुक्रवार। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, एक बार फिर से इसको देखना, नहीं समझ में आएगा तो जरूर बताना, मैं फिर से इस तरह के सवाल अभी बहुत बताऊंगा, परेशान ना होइए, आगे बहुत सारे सवाल आएंगे इस तरह के, हम लोग काम करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आता हूं, उसके पहले इसको साफ कर दिया जाए फटाफट। चलो लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न जो है हम लोगों का ये रहा, है ना, अगला
प्रश्न दिया हुआ है, देखिए कहा गया है एक घड़ी की दोनों सुइयां, ये अब एक तरह से आप चाहो तो जनरल नॉलेज में याद रखना, इस तरह का सवाल जनरल नॉलेज में भी बहुत आता है ये सवाल, ठीक है ना, और घड़ी में तो आता ही आता है, ठीक है ना। पूछा गया है घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार, ध्यान से देखिए, घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार आपस में समकोण बनाएंगी, एक दिन में कितनी बार समकोण बनाएंगी। तो ध्यान रखना बेटा, घड़ी की दोनों सुइयां हर घंटे में, मैं यहां देख लिख रहा हूं, एक घंटे में दो बार समकोण बनता है, ध्यान रखिएगा, दो बार समकोण बनता है, ठीक है। इस हिसाब से 24 घंटे में, 24 घंटे में होता है 48 बार, लेकिन उसमें से चार बार का समय, जैसे 3 बजे, 9 बजे, ये दो समय केवल एक एक बार आता है, इसलिए दो दो का घट जाता है, यानी कि चार इसमें से कम हो जाएगा, ठीक है ना, चार इसमें से कम हो जाएगा। ये चार मैंने माइनस किया है, वो इसीलिए किया है क्योंकि 3 बजे वाला समय और 9 बजे वाला समय एक ही एक बार गिना जाता है, तो इसीलिए वो चार हो गया, चार माइनस हो गया, और ये हो गया कितनी बार, 44 बार। आपको इतना डीप में जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि एक दिन में समकोण कितनी बार बनता है, 44 बार, ये ध्यान रखना बेटा। अगर कभी भी कोई आपसे पूछे कि घड़ी की दोनों सुइयां या घड़ी में एक दिन में कितनी बार समकोण बनेगा, तो इसका जवाब है 44 बार, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे कोई पूछे कितनी बार, देखिए मैं आपको चीजें लिखवा रहा हूं, नोट बना के इसको नोट कर लेना खटाखट, ठीक है ना। पहला नोट, कितनी बार विपरीत होगी, ठीक है, विपरीत का मतलब 180 अंश, ठीक है ना, ध्यान रखना है विपरीत होंगी। तो अगर यह सवाल पूछा जाए तो ध्यान रखना, हर घंटे में एक बार विपरीत होती हैं, ठीक है, हर घंटे में एक बार विपरीत होती हैं, लेकिन 5 से 7 बजे का जो घंटा है, 2 घंटे का समय, उसमें केवल एक बार विपरीत होती हैं, 6 बजे। तो इस हिसाब से 12 घंटे में 11 बार होता है, लेकिन 24 घंटे में 22 बार होता है। ध्यान रखना, एक दिन में विपरीत की स्थिति कितनी बार होगी, तो मैं बता दूं आपको, देखिए 12 घंटे में 11 बार होता है और 24 घंटे में 22 बार होता है। ये सब याद कर लेना, बड़े काम की चीज लिखा रहा हूं, ये सब बहुत पूछे गए हैं कि अगर कोई आपसे पूछे कि घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत कितनी बार होती हैं, तो ध्यान रखना, अगर 12 घंटे में पूछा गया है तो 11 बार और 24 घंटे में पूछा गया है तो 22 बार। ध्यान रखना, समकोण अगर कोई पूछता है तो 12 घंटे में 22 बार समकोण होती हैं और 24 घंटे में 44 बार समकोण बनता है ना। जो ये प्रश्न था कि एक दिन को आप क्या लिख सकते हैं, 24 घंटे, तो 24 घंटे में कितनी बार समकोण होंगी, तो 44 बार। कोई पूछता है 24 घंटे में कितनी बार विपरीत होंगी, तो भैया 22 बार, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। और एक साथ कितनी बार होंगी, एक साथ यानी 0 डिग्री का कोण, तो 0 डिग्री का कोण भी कितनी बार बनेगा, 22 बार, ये याद रखिएगा, लिख लीजिएगा सब पॉइंट नोट बाई नोट करके, कि पहला कि घड़ी की सुइयां एक दिन में 44 बार समकोण बनाती हैं, पहला पॉइंट, एक दिन में 44 बार समकोण बनता है, विपरीत भी 22 बार होता है और एक साथ भी 22 बार होती हैं, एक साथ यानी मिलने का समय, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री, ये ध्यान रखना, समकोण यानी थीटा बराबर 90, एक दिन में 44 बार, विपरीत यानी थीटा बराबर 180, 22 बार, और थीटा बराबर 0 यानी कि मिलने का समय, वो भी होता है एक दिन में 22 बार, ये ध्यान रखिएगा, फटाफट इसको नोट कर लेंगे, तुरंत आगे बढ़ूंगा, उम्मीद है पॉइंट समझ में आ गया होगा, तुरंत आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल उठाएंगे अब हम लोग। इस नोट को जरूर नोट कर लेना, ठीक है, जरूर नोट कर लेना, क्योंकि ये सब चीजें जल्दी मिलेंगी नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एक डाइस का प्रश्न है, पूछा गया है निम्न पासों में 4 के विपरीत क्या होगा। प्रश्न समझ में आ गया, देख लीजिए, सवाल है 4 के विपरीत क्या होगा बताना है,
जल्दी से इसको करना है। ये सब सवाल बहुत ही आसान सवालों में गिने जाते हैं, ये डाइस का प्रश्न है। बताना है चार के विपरीत क्या होगा, तो पहला काम फटाफट चार को खोजिए इस पासे में। तो अगर आप चार को खोजने चलेंगे तो देखिए चार आपको यहां दिखाई दे रहा है ना दोस्तों। चार जो है अगर देखा जाए तो देखिए चार हम लोगों को यहां मिल रहा है इस जगह पे, है ना। और चार अगर यहां पर है तो ये देखो चार के साथ कौन कौन है, एक और दो है। चार के साथ कौन कौन है तो एक और दो है। अब देखो फटाफट इन चारों पासों में देखो कि क्या एक और दो कहीं और आए हैं, जल्दी से खोजो इनको। क्या एक और दो कहीं और आए हैं, तो भैया यहां तो नहीं है, यहां भी नहीं है, लेकिन ये देखो यहां पर एक और दो हैं, है ना। यहां पर एक और दो हैं, यहां भी एक और दो है, तो नया क्या है यहां, चार, ठीक है। और यहां नया क्या है देखिए, पांच। तो सीधी सी बात है कि चार का अपोजिट पांच होगा, यही आपका सही आंसर है कि सर चार का विपरीत क्या होगा, पांच, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। जितने बच्चे सी कहेंगे वो बिल्कुल सही जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी यानी कि सर पांच कैसे खोजा गया, तो डबल कॉमन का रूल लगाया गया। देखिए चार यहां पर था और इसके साथ यहां पर एक और दो थे, है ना। उसी तरह से देखिए एक और दो यहां पर हैं और यहां इनके साथ कौन है, पांच है। तो सीधी सी बात है एक और दो तो कॉमन हो गए, बचा कौन, चार और पांच, यानी यही एक दूसरे के अपोजिट हो गए, यानी आंसर हो गया कि सर चार का विपरीत पांच होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। दोस्तों पॉइंट समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ता हूं बिना समय लिए हुए, तुरंत इसको साफ कर दिया जाए। चलिए आगे बढ़ता हूं जल्दी से और अगला सवाल देखा जाएगा। ये रहा आपके सामने एक स्क्रीन पर, एक घन का सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल, घन का एकदम ये बेसिक सवाल है। अभी घन की शुरुआत यहीं से होती है, एकदम बेसिक सवाल घन का आपके सामने है। बोला गया है एक घन 32 सेंटीमीटर का है, ध्यान देना भैया घन की लंबाई कितनी है, तो भैया 32 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। एक 32 सेंटीमीटर का घन है, इसको 4 सेंटीमीटर के छोटे घनों में बांटा गया है, ध्यान रखना 32 सेंटीमीटर के घन को 4 सेंटीमीटर के छोटे घनों में बांटा गया है, बताना है कुल कितने छोटे घन मिलेंगे। सवाल देख लीजिए आपके सामने, कुल कितने छोटे घन मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए प्रश्न है कुल छोटे घन कितने हैं, यही बताना है। अब देखिए दोस्तों कैसे किया जाए, तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है छोटे घनों की संख्या, देखिए मैं फिर से यहां लिख रहा हूं छोटे घनों की, जितने बच्चे आज पहली बार हैं वो फटाफट नोट करेंगे, छोटे घनों की संख्या बराबर स्मॉल n का क्यूब। अब ये स्मॉल n क्या है, तो मैंने बताया है पहले भी और आज भी बता दे रहा हूं आपको, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, सीधा सा फॉर्मूला है बेटा आपके सामने स्क्रीन पर। यह है स्मॉल n निकालने का तरीका, कि बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा कर देंगे तो आपको स्मॉल n मिल जाएगा, और स्मॉल n का क्यूब कर देंगे अगर तो आपको कुल छोटे घनों की संख्या मिल जाएगी, सीधा सा तरीका है। तो देखिए बड़े घन की भुजा कितनी दिया है, 32, है ना, तो 32 बटे छोटे घनों की भुजा कितनी दिया है, 4, तो n बराबर हो गया 8, है ना बेटा। स्मॉल n का मान कितना आ गया, स्मॉल n का मान आ गया 8। अब स्मॉल n को उठा के यहां रख दो तो 8 का क्यूब हो गया, तो 8 का क्यूब आप सब मैथ के स्टूडेंट हो जानते होंगे 512, 512। फटाफट खोजो किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुन लो, छोटे घनों की संख्या को निकालने का फॉर्मूला होता है स्मॉल n का क्यूब, जो यहां लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब स्मॉल n कैसे निकालते हैं, तो स्मॉल n का फॉर्मूला आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है कि स्मॉल n बराबर बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा देखिए ऊपर दिया है यहां पर 32 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा दिया है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 32 बटे 4, यानी कि स्मॉल n का मान कितना आ गया बेटा, 8 आ गया, है ना।
अब स्मॉल एन का मान उठा करके इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए अपने, तो ये हो जाएगा 8 का क्यूब यानी कि 512, यही आपका सही आंसर होगा इस प्रश्न का जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। उम्मीद है समझ में बात आ गई होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे इन फॉर्मूलों का और आगे बढ़ जाएंगे फटाफट। हम लोग जल्दी से इस फॉर्मूले का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। मैं इसको साफ कर देता हूं, जल्दी से देखिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखो प्रैक्टिस जितना करोगे उतना बेटर होगा तुम्हारे लिए, उतना ही तुम्हारे लिए एग्जामिनेशन हॉल में कम पसीना बहाना पड़ेगा तुमको। अदरवाइज जितनी कम प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा परेशानी होगी एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है ना। चलिए देखिए आपके सामने एक सवाल है, डायरेक्शन का सवाल है ये। जल्दी जल्दी इसको पढ़िए और पढ़ के जवाब देना है क्या होगा सही आंसर। सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, जल्दी से देखना है, फटाफट पढ़ना है और जवाब देना है क्या होगा इसका सही आंसर। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए। सवाल कह रहा है एक व्यक्ति अपने ऑफिस से, देखिए ध्यान से, अपने ऑफिस से किधर निकला है भाई, पूर्व दिशा में। तो मान लेते हैं ये उसका ऑफिस हो गया, वो यहां से इधर निकला, ये मान लो उसका ऑफिस है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ा जाए, निकलकर कुछ दूर चलकर अपने बाएं मुड़ता है। अब देखो भैया कहां मुड़ रहा है, बाएं। अब देखो यहां तक चले तो आपका बायां हाथ किधर जाएगा, जब ऐसे चलोगे तो ध्यान देना बायां हाथ ऐसे आएगा, है ना, इस तरह से। अब देखिए क्या बोल रहा है, कुछ दूर चलता है पुनः वह अपनी बाईं तरफ मुड़ता है, किधर मुड़ता है भैया, बाईं तरफ मुड़ता है यानी ऐसे मुड़ता है, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। फिर आगे बढ़ता है और कुछ दूर आगे जाने के बाद अपनी दाईं तरफ मुड़ता है, किधर मुड़ता है, दाईं तरफ यानी ऐसे, ठीक है। अब देखो क्या पूछा गया, पूछा गया कि सीधा चलने लगता है, बताना है इस समय वह किस दिशा में जा रहा है। ध्यान से देखो बेटा सवाल क्या है, वह किस दिशा में जा रहा है। अब देखो इस समय वो ऐसे जा रहा है, ये उसके डायरेक्शन है, ऐसे है ना, ये उसका डायरेक्शन है ऊपर की तरफ। तो सीधी सी बात है अगर वो इधर जा रहा है तो ये कौन सी दिशा होती है बेटा, ऑप्शन नंबर सी, देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा उत्तर, यही आपका सही आंसर है सर, वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है इस समय, यही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। कुछ नहीं करना है, बस जैसे जैसे बोला है वही कर देना था। देखिए इसी प्रश्न को करने का एक और तरीका क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। इसने बोला है वो अपने ऑफिस से किधर निकला है, पूर्व दिशा में, तो मान लो ये उसका ऑफिस हो गया और वो यहां से इधर निकल गया पूर्व दिशा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निकलकर कुछ दूर चलकर अपने बाएं, अब देखिए यहां कहां मुड़ा है, बाएं मुड़ा है ना, तो बाएं मुड़ा है तो यल लिख दिया। देखिए एक तरीका ये भी है कि जो बाएं दाएं बोल रहा है उसको लेफ्ट राइट में लिखते जाइए। अब देखिए कुछ दूर चलता है पुनः वह किधर मुड़ता है, अपनी बाईं तरफ मुड़ता है, बाईं तरफ का मतलब फिर से लेफ्ट में मुड़ता है, और कुछ दूर आगे जाने के बाद अपनी दाईं तरफ, किधर मुड़ता है, अपनी दाईं तरफ यानी कि राइट में मुड़ता है ना, और बताना है वो किधर जा रहा है। तो देखिए एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल, बचता है एक लेफ्ट, तो यहां से लेफ्ट किधर होगा चेक कर लीजिए, तो यहां से लेफ्ट ऊपर होगा ऐसे, और ऊपर कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, जल्दी से आया जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए तुरंत। अगला सवाल देखो आपके सामने है, फिर से एक सवाल है रैंकिंग का, रैंकिंग के टॉपिक का एक सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताना है इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या है देख लीजिए, सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छे से। अपनी कक्षा की पंक्ति में रोहित का स्थान प्रारंभ से कितना है भाई, 17वां है। देखिए रोहित का स्थान जो है, एक मैं लाइन बना के आपको समझा देता हूं कि पंक्ति में प्रारंभ से 17वां, मान लो यहां पर है, ये हो गया रोहित, ठीक है, ये हो गया रोहित, ये हो गया 17वां, किधर से, इधर से, ठीक। आगे बढ़ते हैं,
और निशा का स्थान अंत से कितना है, 12वां है, यानी कि निशा जो है वो अंत से कितनी है, 12वीं है, ये मान लो निशा हो गई, ठीक है, ये हो गया 12वीं, ठीक है। और बोला गया कि दोनों के मध्य कुल 6 व्यक्ति हैं, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, तो मान लो ये हो गया दोनों के मध्य 6 व्यक्ति, तो बताना है उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, यही प्रश्न है। देखिए, शुरू से रोहित का 17, अंत से निशा का 12, और दोनों के बीच में कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, बताना है टोटल कितने लोग हैं। अब इससे आसान सवाल नहीं हो सकता रैंकिंग में, तो टोटल संख्या बराबर 17 + 6 + 12, जोड़ दीजिए, बस यही आपका आंसर है, 17 12 29, यानी 29, 29 में 6 जोड़ दिया, कितने हो गए, 35, यही आपका सही आंसर है, 35, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 35, यही हम लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा, 35, बिना कुछ सोचे बिल्कुल 35 सही आंसर है। रैंकिंग का ये सबसे आसान प्रश्न होता है, अब इससे आसान प्रश्न नहीं हो सकता, सब कुछ दिया है, शुरू से स्थान, अंत से स्थान, बीच में संख्या, बस सबको जोड़ दो, यही है कुल संख्या। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फटाफट, बिना समय गंवाए हुए जल्दी से एक बार इसको साफ कर लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं तुरंत, ये रहा अगला सवाल, आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। बोला गया है आज से 4 दिन बाद शनिवार है, तो बीते हुए परसों को कौन सा दिन होगा, ये सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है आपको। देखिए बोला गया है आज से 4 दिन बाद, तो मान लो आज का दिन है एक्स, ठीक है, मान लिया आज का दिन है x, तो क्या बोला गया है, से 4 दिन बाद, यानी कि x+4 बराबर कितना दिया है भैया, शनिवार, आज से 4 दिन बाद कौन सा दिन दिया है, शनिवार, तो सबसे पहले फटाफट x निकाल लो, x का मतलब आज है ना, x का मतलब क्या हो गया, आज, तो पहले आज का दिन निकाल लिया जाए, तो आज का दिन क्या हो जाएगा, तो शनिवार -4, ठीक है बेटा। अब शनिवार में से 4 घटा दो, तो शनिवार से 4 घटाओगे तो शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार और मंगलवार, यानी आज का दिन आ गया मंगलवार, ध्यान देना दोस्तों, आज का दिन क्या आ गया, मंगलवार, ये हो गया आज का दिन। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए क्या बोला गया आगे, तो बीते हुए परसों कौन सा दिन था, ये सवाल है, बीते हुए परसों कौन सा दिन था, देखो आज का दिन आपको मिल चुका है कौन सा, मंगलवार, तो बीता हुआ परसों, यानी कि भैया अगर आज मंगलवार है तो कल सोमवार रहा होगा और उसके पीछे रविवार रहा होगा, तो खोजा जाए अपने ऑप्शन में, तो देखिए आपका पहला ही ऑप्शन दिया है रविवार, देखिए पहला ही ऑप्शन हम लोगों को दिया हुआ है रविवार, यही हम लोगों का बिल्कुल सही जवाब है, कुछ नहीं करना। देखिए मैंने क्या किया, इसने बोला है आज से 4 दिन बाद, तो आज मान लिया यक्ष, तो 4 दिन बाद यानी +4 इज इक्वल टू कितना हो गया, शनिवार। फिर बोला गया तुरंत, देखिए अब यहां से यक्ष का मान निकाल लो, तो यक्ष का मान निकालोगे तो शनिवार -4 हो जाएगा, करोगे तो कितना आएगा, मंगलवार, यानी आज का दिन हो गया मंगलवार। अब क्या बोला गया, बीते हुए परसों, तो मंगलवार -2 कर दो, ठीक है ना, तो बीते हुए परसों यानी मंगलवार में से 2 घटाओ तो सोमवार और रविवार, यही आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिना कोई टेंशन के बिल्कुल आप इसे टिक मारिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फटाफट तुरंत अगले सवाल पर, बिना समय गंवाए हुए, अब एकदम ये आसान सवाल था कैलेंडर का, चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से, अगला सवाल अपने स्क्रीन पर ये रहा, बताना है कितनी समांतर रेखाएं हैं, फटाफट इसका जवाब देना है, कितनी समांतर रेखाएं हैं, सवाल आपके स्क्रीन पर है, बताना है कितनी समांतर रेखाएं हैं दोस्तों, जल्दी से इसका जवाब देना है, कितनी समांतर रेखा है, समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइन, समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइन बतानी है, तो इसका तरीका मैं बहुत बार बता भी चुका हूं, फिर से बताता हूं, देखो
यहां पर लेते हैं 1, 2, पहले नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है, 4, इसी तरह से 1, 2, 3, इसके बाद इनको इधर जोड़ लो और इनको ऊपर जोड़ लो, तो इसको जोड़ोगे तो 10 आएगा, इसको जोड़ोगे तो 6 आएगा, है ना। अब उसके बाद क्या पूछा गया है, समांतर रेखाएं, इस फॉर्मूले को चाहो तो नोट कर लो। तो समांतर रेखा बराबर क्या करेंगे, तो देखिए तुरंत ए आया 10, यहां आया 6, तो समांतर रेखाएं बराबर 10 + 6 = 16, यही आपका सही आंसर है, कितना 16। चेक करिए ऑप्शन में फटाफट जल्दी से, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों, मैंने आपको फिगर काउंटिंग का ऐसा तरीका सिखा दिया है, आप चाहें तो अधिकतर सवालों को बिना पेन चलाए बिना कॉपी के आप आंसर दे सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट समझने की देरी है। देखिए मैंने क्या किया, कुछ नहीं, बस सभी कॉलम को गिन लिया, सभी रो को गिन लिया, कॉलम को यहां जोड़ दिया, रो को यहां जोड़ दिया, जोड़ने के बाद दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि समांतर रेखाएं पूछा था। अगर यही आयत पूछा होता, क्या पूछा होता, आयत, तो कैसे निकालते, तो ध्यान देना, आयत में क्या करते, इनका और इनका मल्टीप्लाई कर देते, यानी 10 × 6 कितने आयत हो जाते, 60, यही आपका आंसर हो जाता आयत में। तो ये इतना आसान कॉन्सेप्ट आपको दिया हूं कि लगभग सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कुछ अलग से नहीं करना, बस वही चीजों को रिपीट कर देना है, चीजें तुरंत क्लियर हो जाएंगी माइंड में, कैसे होना चाहिए, एकदम आसान से दिमाग में चलना चाहिए, चीजें मिस नहीं होनी चाहिए। फटाफट इसको नोट करते हैं, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल लेंगे हम लोग अपनी स्क्रीन पर। अगला सवाल देखा जाए क्या है, देखिए दोस्तों, जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतने अच्छे होते जाओगे, ये मेरा मानना है। अब अगर कोई प्रैक्टिस करने से ही भागेगा तो बेटा उसको कोई नहीं सिखा पाएगा, सीधी सी बात जान लीजिए, अगर कोई प्रैक्टिस करने से भागेगा तो उसको कोई नहीं सिखा पाएगा। चलिए एक चीज और देख लेते हैं, मान लो यही कोई पूछ लेता कितने वर्ग हैं, ठीक है, तो वर्ग के लिए क्या करते, देखिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 नंबरिंग कर लिया। अब वर्ग निकालने का तरीका क्या था, तो भैया आखिरी कॉलम आखिरी रो से, तो देखिए 4 का जोड़ा किसके साथ बनेगा, 3 के साथ, लिखा जाएगा 4 × 3। इसी तरह से अब यहां से लिए 3 का जोड़ा 2 के साथ बनेगा, तो इसको लिखोगे 3 × 2 प्लस, इसी तरह से 2 का जोड़ा 1 के साथ बनेगा, तो इसको लिखा जाएगा 2 × 1। अब जोड़ दो इसको, तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 3 × 2 = 6 और 2, तो 12 × 6 = 18 और 2 = 20, ये हो गए वर्गों की संख्या। अगर यहीं पर कोई आपसे पूछ लेता कि कितने सरल रेखाएं हैं, मान लीजिए अगर यही सवाल हो जाती, सरल रेखा बताइए, तो सरल रेखा का तरीका क्या है, तो देखिए इसका तरीका, इनका आखिरी नंबर 3 है, इनका आखिरी नंबर 4 है, तो 4 + 3 और इतना करने के बाद 2 अपनी तरफ से जोड़ देना, आखिरी कॉलम आखिरी रो दोनों को जोड़ दो, तो 4 और 3 मिलके 7 हो जाएंगे, और 7 में 2 अपनी तरफ से बढ़ा देना, तो टोटल सरल रेखाएं कितनी हो जाएंगी, 9, यही आपका आंसर हो जाएगा सरल रेखाओं में। ध्यान रखना बेटा, यहां मैंने सब कुछ बता दिया, आयत बता दिया, वर्ग बता दिया, सरल रेखा बताई, ठीक है, वर्ग बता दी, सरल रेखा बता दी, समांतर रेखा बता दिया, आयत बताया, सब कुछ यहां हो गई, सारी बातें हो गई, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इस बात को, आगे बढ़ेंगे तुरंत अगले सवाल पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पर देखा जाए वो क्या कह रहा है, उसने क्या सवाल दिया है भाई, चलिए देखते हैं तुरंत। चलिए अगला सवाल देखा जाए, ये भी सवाल एक कैलेंडर का सवाल है, आज के पेपरों में कैलेंडर और फिगर काउंटिंग, थोड़ा बहुत और कुछ टॉपिक को मिक्स किया है मैंने, देख थोड़ा थोड़ा चीजें लेके चला हूं, ज्यादा नहीं, ठीक है। देखिए एक सवाल है हम लोगों की स्क्रीन पर, बोल रहा है एक कार्यक्रम पर पहुंचने पर मुझे पता चला कि मैं निर्धारित, देखिए एक कार्यक्रम में बुधवार को, ये कब पहुंचे हैं, बुधवार को पहुंचने पर पता चला कि मैं निर्धारित दिन से 4 दिन पहले आ गया हूं, ध्यान से देखना बेटा, 4 दिन पहले, ये कब पहुंचे हैं, ये पहुंचे हैं बुधवार को, और इनको क्या कहा गया है कि भैया आप दिन से 4 दिन पहले ही आ गए, 4 दिन पहले आ गए, यानी कि कार्यक्रम का जो दिन है वो बुधवार से 4 दिन आगे है, तो बुधवार में 4 दिन जोड़ दो, तो बुधवार में 4 दिन जोड़ोगे तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और
रविवार, यानी कार्यक्रम का जो दिन है, देखिए यानी जो कार्यक्रम होना है वो कब होना है भैया, तो कार्यक्रम होना है रविवार को। कार्यक्रम कब होना है? रविवार को होना है। आगे बढ़ते हैं। यदि मैं अगले मंगलवार को, देखो ध्यान से, यदि मैं अगले मंगलवार को पहुंचूं, ठीक है, यानी अब वो चले गए, अब वो कब पहुंच रहे हैं, मंगलवार को पहुंच रहे हैं, तो बताना है मैं निर्धारित दिन से कितना विलंब से पहुंचा हूं, कितना देर से पहुंचा हूं। तो ध्यान से देखो बेटा, कार्यक्रम किस दिन है? रविवार को। कार्यक्रम किस दिन है? रविवार को। और ये पहुंच रहे हैं कब भैया? मंगलवार को। तो कितना लेट हो गए? तो दो दिन लेट हो गए। कितने हो गए? दो दिन लेट हो गए, यानी ऑप्शन नंबर बी, चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्योंकि ध्यान से देखो, कार्यक्रम किस दिन होना है? रविवार को। और ये भाई साहब कब पहुंचे हैं? मंगलवार को, यानी कि रविवार से मंगलवार दो दिन बाद का समय। यही आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, बिना किसी संकोच के बिल्कुल इसे टिक करेंगे, यही हम लोगों का सही आंसर होगा कि भैया वो जो लेट है वो कितना है, वो दो दिन लेट पहुंचा, दो दिन बाद में पहुंचा, क्योंकि कार्यक्रम रविवार को है और वो पहुंचे हैं मंगलवार को। तो ध्यान से देखो बेटा, ये हो गया इस सवाल का जवाब। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन ये सब कंफ्यूज बहुत करते हैं, इनसे संभल के रहना है, गलतियां बहुत होती हैं, ध्यान से रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, आज का आखिरी प्रश्न देखा जाए, आज का आखिरी प्रश्न हम लोगों से क्या कह रहा है, ठीक है ना, जल्दी से देखते हैं आज के आखिरी प्रश्न ने हम लोगों से क्या पूछा है, इसको देखा जाए जरा। ये रहा एक सेलोलिज्म का सवाल, एक सेलोलिज्म का प्रश्न हम लोगों के सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, कथन एवं निष्कर्ष का सवाल है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक सेलोलिज्म, उसका एक सवाल जरूर पेपर में आता है, दो दो तीन तीन सवाल कभी कभी आते हैं। देखिए जो पूछा गया है वो क्या है, मैं एक बार पढ़ देता हूं। कथन कह रहा है सभी फल अमरूद हैं, देखिए सभी फल अमरूद हैं, दूसरा कहता है कुछ अमरूद संतरे हैं, तीसरा कहता है सभी संतरे अंगूर हैं। अभी हम लोग आरेख बना के करेंगे, गोला बना के करेंगे, जब मैं आपको इसका टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहां गोला नहीं बनेगा, वहां हम लोग डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना, लेकिन पहले गोला बना के देख लेते हैं। पहले ने कहा सभी फल अमरूद हैं, तो भैया मान लो ये फल है और ये किसके अंदर हो गया, अमरूद के अंदर, मान लो ये हो गया अमरूद। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला कहता है कुछ अमरूद संतरे हैं, तो भैया कुछ अमरूद संतरे हैं, मान लो ये संतरा हो गया, भाई अमरूद का कुछ हिस्सा संतरे में आ गया। आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है सभी संतरे अंगूर हैं, ध्यान देखो सभी संतरे अंगूर हैं, यानी पूरे के पूरे जो संतरों का हिस्सा है वो किसके अंडर में चला गया, तो ये हो गए अंगूर। देखिए दोस्तों, डायग्राम पूरा हो चुका है, निष्कर्ष आपके सामने है, बस फटाफट मिलाइए और जवाब दीजिए। पहला कहता है कुछ अंगूर फल हैं, चेक करिए कुछ अंगूर फल हैं, तो देखो बेटा अंगूर का गोला यहां है, फल का गोला यहां है, इसलिए पहला निष्कर्ष गलत है। आगे बढ़ते हैं, कुछ संतरे फल हैं, चेक करिए, तो देखिए फल यहां पर है, संतरा यहां पर है, दोनों में कोई अटैचमेंट नहीं है, इस वजह से दूसरा भी निष्कर्ष गलत हो गया। तीसरे पर आ जाइए, सभी फल अंगूर हैं, तो ध्यान से देखिए फल यहां है, अंगूर का गोला यहीं तक है, कोई अटैचमेंट नहीं है, इस वजह से ये भी गलत हो गया। बात समझ आया बेटा? देखिए इस वजह से हमारे तीनों निष्कर्ष गलत हो चुके हैं, यही हमारा अब ऑप्शन होगा। देखा जाए ऑप्शन में क्या दे रहा है हम लोगों को, चलिए देखिए अब आपके सामने ऑप्शंस आ गए, फटाफट देखना है कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है, जल्दी से इसको देखना है और जवाब देना है। तो देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए तो पहला कहता है निष्कर्ष एक सही गलत है, निष्कर्ष दो सही गलत है, निष्कर्ष तीन सही ये भी गलत है, कहता है कोई निष्कर्ष सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा कि कोई निष्कर्ष सही नहीं है, यही इस सवाल का
आंसर है। दोस्तों उम्मीद है सारी बातें समझ में आई होंगी आज के क्लास की। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा और एक्सरसाइज खूब करो। जो इस तरह के सवाल नहीं समझ में आते उनको ले आके पूछो, ठीक है बेटा, कमेंट में पूछिए जरूर, तभी मजा आएगा। जैसे जो बच्चे सवाल पूछते हैं मैं उनका जवाब जरूर देता हूं अगली वीडियोस में, तो आप भी अगर अपने सवाल पूछोगे तो आपको जरूर जवाब मिलेगा। मस्त रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। रेगुलर टाइमिंग ध्यान रखना, करेक्ट 12 बजे से रीजनिंग की क्लास चलती है। BSTC, पटवारी, PTET, पुलिस, SI, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर रीजनिंग है वहां पर इस तरह के सवाल आएंगे और मैं उन सभी की तैयारी आपको यहां पर दे रहा हूं, बस आपको टाइम से जुड़ जाना है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।